हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निखत परवीन खान और आज के एफटीआर सेशन में हम प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विद द क्वेश्चन नंबर वन। सो आपका क्वेश्चन नंबर वन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन बताएं। सत्य कथन आपको चुनना है, यानी आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इन स्टेटमेंट्स में से। तीन आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनका समाज मात्र सत्तात्मक था, जाति प्रथा प्रचलित थी, ये अफगानिस्तान से टिन का आयात करते थे। ये तीन स्टेटमेंट दिए हैं और आपको कुछ कोड्स दिए हैं, केवल एक, एक और तीन, एक दो और तीन और दो और तीन। व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर होगा बी, एक और तीन। मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना कि समाज मात्र सत्तात्मक था, ये सही है, और तीसरा वाला स्टेटमेंट कि अफगानिस्तान से टिन का आयात करते थे, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है जाति प्रथा प्रचलित थी, ये गलत है। तो अगेन देखिए क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस एंशियंट के टॉपिक हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से है। कल भी मैंने इसका जिक्र किया ही था, किस तरह के प्रश्न इसमें से बनते हैं ये मैंने कल भी बताए थे। और उनकी जो सभ्यता के फीचर्स हैं, मतलब दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें मेनली। एक तो इनके समय जो भी साइट्स या शहर मिले उनके ऊपर के फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस। जैसे कि कल हमने एक फैक्चुअल क्वेश्चन लिया था कभी, कहां से क्या साक्ष्य मिले, कौन से किस नदी के तट पर कौन सा शहर है, ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चन। और दूसरा पार्ट होता है सभ्यता को पढ़ने का, जिसमें हम सभ्यता में किस तरह की ये चीजें फॉलो किया करते थे, धर्म, समाज, राजनीति, प्रशासन, ठीक है, या अर्थव्यवस्था, यानी उनकी सभ्यता की इन पहलुओं पर कुछ चीजें दी गई हैं या कुछ चीजें कहीं ना कहीं पाई गई हैं साक्ष्यों के द्वारा, उनको भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कि उनकी जीवन शैली कैसी थी और पहला वहां पे जो शहर मिले उनसे जुड़े कुछ तथ्यात्मक तथ्य। तो इस पे आज जो हमने सेकंड पार्ट से लिया है, मतलब उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें, तो पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि इनका जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है। बिल्कुल सही, सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज के साक्ष्य हमें मिले हैं उसमें ये बताया गया दैट द सोसाइटी वॉज मैट्रियार्कल इन नेचर। मैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल मतलब मात्र सत्तात्मक समाज, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली होती थी वो एक फीमेल मेंबर हुआ करती थी, ना कि एक मेल मेंबर, ठीक है। तो ये एक चीज़, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत इसलिए है क्योंकि जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी। हमें कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज किसी भी तरह की जाति में विभाजित था। हाँ, ऑक्यूपेशन और वर्क के आधार पर कहीं कहीं डिवीजन थे, डिवीजन ऑफ लेबर जो आप बोल सकते हो वैसे डिवीजन थे, पर कास्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था। ये तो आप पढ़ते ही हैं कि ऋग्वैदिक काल में कहीं ना कहीं जाति प्रथा का उल्लेख आता है ऋग्वेद में, और वहाँ से फिर समाज जो है वो वर्ण सिस्टम, सॉरी मतलब ऋग्वैदिक काल में वर्ण प्रथा का उल्लेख आता है और उत्तर वैदिक काल में जो है वो जाति व्यवस्था स्टार्ट होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, इसलिए सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत। और थर्ड वाला स्टेटमेंट इनके व्यापार से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार के लिए आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही किया करते थे, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। भारत के बाहर मिस्र, यूनान, ठीक, मध्य एशिया, यहाँ से ये लोग व्यापार किया करते थे, ख़ासतौर पर अपने जो बंदरगाह थे इनके, अलाहदीनों हो गया या लोथल हो गया, यहाँ से व्यापार किया करते थे। व्यापार में ज़्यादातर धातुओं का व्यापार हुआ करता था, साथ ही साथ कॉटन से बनी चीज़ों का भी व्यापार हुआ करता था। आयात की बात करें तो ये लोग गोल्ड, सिल्वर, टिन, सफ़ायर, ये सभी चीज़ों का आयात किया करते थे। भारत के कर्नाटक वाले रीजन से ये लोग सोने और चांदी का आयात किया करते थे, ठीक। और जो स्टेटमेंट दिया है ना कि अफ़गानिस्तान से टिन का आयात किया करते थे, ये बिल्कुल सही है। अफ़गानिस्तान से ये लोग टिन, सिल्वर और सफ़ायर, चांदी और कुछ बहुमूल्य रत्नों का आयात किया करते थे। तो जो व्यापार है वो इनका अर्थव्यवस्था का तीसरा बड़ा आधार था, कृषि और पशुपालन के बाद, और इसमें ये लोग बाह्य और आंतरिक दोनों ही व्यापार या ट्रेड किया करते थे। इस वजह से जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो वन और थ्री, यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। Is that clear? With that, now let us move on to the next question. Question number two. So, आपका question number two है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? Who composed the गायत्री मंत्र? वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद या इनमें से कोई नहीं? बहुत easy question है, famous question है। क्या होगा answer? इसका answer होगा B, विश्वामित्र।
ठीक विश्वामित्र ने कंपोज किया है ये माना जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ऋग्वैदिक काल से है, वैदिक काल का, वैदिक साहित्य का एक क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल, उससे ये गायत्री मंत्र लिया गया है जो काफ़ी फेमस मंत्र है, और ये जो है देवी सावित्री को डेडिकेटेड है। देवी सावित्री के ऊपर एक्चुअली एक वैदिक मीटर के हिसाब से गायत्री वर्ड रखा गया है, बट एक्चुअली ये वर्शिप ऑफ देवी सावित्री, तो सावित्री की पूजा के लिए ये गायत्री मंत्र तीसरे मंडल पे लिखा गया, और ये बिलीव किया जाता है कि इसकी जो रचना है वो गुरु विश्वामित्र ने की है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई थिंक आई नीड नॉट टू गो इन टू डेप्थ कि गायत्री मंत्र क्या है, और उसकी और भी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आपको जो फैक्ट उसमें याद रखना है किसने लिखा, कौन सी देवी या देवता से संबंधित है, कौन से वेद में है, और वेद के कौन से मंडल में है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवी सावित्री से संबंधित है और विश्वामित्र ने लिखा है, आपको बस ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। इज दैट क्लियर? तो वैदिक साहित्य से सवाल था। नाउ लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। सो आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय किस श्रेणी में आते थे, और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं द्विज, सेठी, पुलात्यन या इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन है, पोस्ट वैदिक एरा, इसका आंसर होगा ए द्विज। द्विज, तो उत्तर वैदिक काल तक हम सभी जानते हैं कि वर्ण सिस्टम पूरी तरह से बदल गया था जाति व्यवस्था में। उत्तर वैदिक काल के अंत तक पूरी तरह से जाति व्यवस्था भारत में फैल गई थी, और वर्ण के आधार पर, वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म के आधार पर थी, उत्तर वैदिक काल में जो है वो धर्म के आधार पर बदल गई, और उस धर्म के आधार पर जो व्यवस्था थी उसमें जो चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें से जो शुरू के दो वर्ण हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन्हें सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सम्मान मिला, क्योंकि ये धर्म के आधार पर कर दिया गया था उत्तर वैदिक काल में इस व्यवस्था को, तो इन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान मिला। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है, ब्राह्मण जो कि नॉर्मली पुरोहित हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे, स्कॉलर्स हुआ करते थे, और क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स हुआ करते थे या रक्षक हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे, ये दोनों को सोसाइटी में सबसे ऊंची पोजीशन मिली। ठीक है, मैं उतनी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, आप सबको पता है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण प्रथा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले लिखी गई, फिर धीरे 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 ये परवर्ट होते गई, इसका फॉर्म बदलता गया, इसे ब्रह्मा से रिलेट करते गए लोग, और उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था ही जा करके जाति व्यवस्था बन जाती है। ठीक है, तो मैं उस समय की बात कर रही हूँ। तो उस समय ऐसा था कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको सबसे ऊंचे दो कुल माने जाते थे, ऊंची दो जाति मानी जाती थी, और इन्हें ही कहा जाता था द्विज। द्विज मतलब बोर्न ट्वाइस, दो बार जन्मा। ठीक है, इनका ये मानना था, मतलब उस वक्त समाज का मानना था कि इनका जो जन्म होता है वो दो बार होता है, द्विज। ठीक है, और ये जो द्विज में जो भी लोग आया करते थे उन्हें कई सारे राइट्स दिया करते थे इस वहाँ की समाज। ठीक है, मतलब जैसे आपको तो ये पता होगा कि ब्राह्मणों को कई पनिशमेंट्स नहीं दी जाती थी, उनसे टैक्स नहीं वसूला जाता था, वैसे क्षत्रियों को भी कुछ अधिकार दिए गए थे। धर्म से रिलेटेड जितने अधिकार थे, खासतौर पे जो लोग द्विज के अंतर्गत आते हैं, धर्म से संबंधित सभी अधिकार, चाहे वो सेक्रेट थ्रेड पहनने की बात हो या वेदों को पढ़ने या उनका ज्ञान अर्जित करने की बात हो, ये सारे धर्म से संबंधित अधिकार सिर्फ द्विज को थे, उसके अलावा दूसरों को नहीं, खासतौर पे शूद्रों को तो बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिए सवाल इसी से पूछा है कि क्या बोला जाता था ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को उत्तर वैदिक काल में, तो उन्हें कहा जाता था द्विज। Is that clear? With that, now let us move on to the next question. Question number 4. So, आपका question number 4 है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीकों को सुमेलित करें। आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, गौतम बुद्ध की जो लाइफ है उनको, हर एक उनकी लाइफ इवेंट्स को कोई ना कोई सिंबल से, इन्हें प्रतीक चिन्ह से इंडिकेट किया जाता है। उन पर से ये सवाल है कि उसे सही तरीके से मैच करें कि कौन सी घटना का कौन सा प्रतीक है या चिन्ह है, सिंबल है। समृद्धि, गृह त्याग, गर्भ और यौवन, ये चार दिए गए हैं, और सामने दिया गया है घोड़ा, हाथी, शेर और सांड, आपको मैच करना है। ठीक, आपको कुछ कोड्स दिए गए हैं उसके नीचे, इसमें सही आंसर होगा, अभी तक अगर आपने पढ़ लिया होगा या पॉज करके लिखा होगा तो ठीक है, सही आंसर होगा सी ए, यानी समृद्धि का होगा 3, यानी शेर। गृह त्याग बी, इसका होगा घोड़ा। गर्भ,
इसका होगा टू यानी हाथी, और डी यानी यौवन इसका होगा सांड। देखिए मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से सवाल आते ही हैं सिविल्स में, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। गौतम बुद्ध जो हैं उनकी जीवन की जो घटनाएं हैं उनके बुद्धिस्ट नाम और जीवन की घटनाओं से जुड़े चिन्ह, ये दोनों ही क्वेश्चंस बनते हैं। नाम का मतलब जैसे उन्होंने गृह त्याग किया तो महाभिय निष्क्रमण, जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो हम कहेंगे निर्वाण, उनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण। तो ये जो हैं उनकी जीवन की घटनाएं और उनसे संबंधित बुद्धिस्ट नाम, और साथ ही साथ एक पूरी लिस्ट आपको याद करनी रहती है कि गौतम बुद्ध के जीवन के अलग अलग जो चरण रहे, जो इवेंट्स रहे, उनको बौद्ध धर्म में किन चिन्हों से, किन प्रतीकों से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जब वे गर्भ में थे तो उसे हाथी से इंडिकेट किया जाता है, जब उनका जन्म हुआ तो उसे कमल से इंडिकेट किया जाता है, जब उन्होंने रिनाउंस किया होम यानी जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसे घोड़े से इंडिकेट किया जाता है, जब वो युवा हुए थे तो उसे सांड से रिलेट किया जाता है, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी तब उन्हें बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का जो वृक्ष जो बोधि ट्री था उससे इंडिकेट किया जाता है, उनकी जो मृत्यु है वो उनके पद चिन्ह और स्तूपों से इंडिकेट की जाती है। तो उसी पर से ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके सामने दिया है समृद्धि, समृद्धि मतलब उन्हें जो संपन्नता की डेफिनेशन उन्होंने दी थी उसे जो इंडिकेट किया जाता है वो शेर से, बौद्ध धर्म में समृद्धि को शेर से कहीं ना कहीं इंडिकेट किया जाता है। तो समृद्धि का चिन्ह शेर, गृह त्याग का घोड़ा, गर्भ का हाथी और यौवन का जो है वो है सांड। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया जन्म का कमल, उसके अलावा आपने मैंने कहा कि जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई उसे हम बोधि ट्री से, उसके अलावा उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं उसे चक्र से इंडिकेट किया जाता है, और उनकी मृत्यु को पद चिन्हों और उन स्तूपों से इंडिकेट किया जाता है। तो ये जो पूरा मैंने कहा ये लिस्ट आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि उनके लाइफ से जुड़ी घटनाओं के क्या चिन्ह हैं, और उसी आधार पर ये प्रश्न बनाए और इसका आंसर होगा सी। इज दैट क्लियर? विद दैट नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जैन धर्म से संबंधित असत्य कथन चुनिए। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट असत्य कथन। पहला है आपका जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे, दूसरा दिगंबर जैन सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, तीसरा है द्वितीय जैन संगति वल्लभी में हुई, और उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस कोट के तौर पर दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो और एक और तीन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आपको बताना इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनकरेक्ट होगा बी, केवल दो, मतलब दिगंबर जैन सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं ये रॉन्ग है, बाकी पहला कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ हैं और द्वितीय जैन संगति वल्लभी में हुई ये बिल्कुल सही है। तो देखिए अगेन ये जैनिज्म से क्वेश्चन है, मैंने कहा ना कि हमारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेंगे, जैन धर्म के तीर्थंकरों पर से कुछ क्वेश्चन है, जैन संगतियों से ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में जो महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे और उसके पहले 23 तीर्थंकर यानी कि धर्म गुरु इनके रहे, जिसमें से पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव, दूसरे जो तीर्थंकर थे वो थे अजीतनाथ, और जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, 24वें जो थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो आपको जैन धर्म में जो तीर्थंकर है उसमें जो कुछ कुछ जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनका क्रम और उनके जीवन से जुड़े जो चिन्ह हैं, जैसे कि महावीर को शेर से दिखाया जाता है, पार्श्वनाथ को सांप से दिखाया जाता है, ऋषभदेव जो हैं उन्हें ऋषभ से दिखाया जाता है, तो उनके जीवन के उनसे जुड़े जो जैन धर्म में चिन्ह हैं उन्हें याद कर लें, और कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के क्रम ज़रूर याद कर लें। ठीक है, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, और कुछ प्रमुख तीर्थंकर जिनका कहीं कहीं उल्लेख आता है जैन धर्म में या वैदिक धर्म में, तो उनका भी नाम याद कर लें। उस पर से क्वेश्चन था, तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे, बिल्कुल सही है, पहले जो थे वो ऋषभदेव और दूसरे अजीतनाथ। ठीक, दिगं उसके बाद तीसरा जो है द्वितीय जैन संगति वल्लभी में हुए, जैन संगतियों से ऊपर क्वेश्चन है। तो देखिए दो जैन मीटिंग्स हुई थी, पहली वाली जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी वाली जो हुई थी वो वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसी दूसरी जो मीटिंग हुई थी इसमें जैन संप्रदाय जो है वो दो हिस्सों में टूट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये है इसमें कि
जैन संगति जो दूसरी है वो कहाँ हुई थी, उस पर से स्टेटमेंट दिया कि वल्लभी गुजरात में हुई थी। बिल्कुल सही है, हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म के प्रमोशन के लिए, उसके विस्तार के लिए, उसको सिस्टमाइज करने के लिए, उसके लिटरेचर या साहित्य को कंपाइल करने के लिए दो जैन संगतियाँ हुई थी। ठीक, पहला जो है वो 326 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी, जिसके चेयरमैन जो थे वो स्थूलभद्र थे। ठीक, और जो दूसरी जो जैन संगति थी वो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। पहली वाली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। जाहिर सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी तो कहाँ हुई होगी? पाटलिपुत्र में। और जो दूसरी जैन संगति थी वो 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी गुजरात में। देवर्दी शम शर्मा जो हैं वो इसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो इन दोनों ही जैन संगतियों में अंग और उपंगों का जो संकलन है वो हुआ था। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि दूसरी जैन संगति वल्लभी गुजरात में है, इसलिए आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ सेकंड है। अब वो सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि लिखा है कि दिगंबर जैन जो हैं उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए। तो आप ये भी जानते हैं कि जैन धर्म जो है वो दो संप्रदायों में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। अगर आप उत्तर की तरफ देखें तो श्वेतांबर जैनों का विस्तार ज़्यादा, और दक्षिण की तरफ देखें तो दिगंबर जैनों का विस्तार ज़्यादा है। श्वेतांबर जैन जो हैं, नाम से समझ में आता है श्वेत अंबर, श्वेत मतलब सफ़ेद, अंबर मतलब वस्त्र। श्वेतांबर जैन जो हैं उन लोगों ने सफ़ेद वस्त्र धारण करने का निश्चय किया, और जो दिगंबर जैन हैं उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया था। ठीक है, दोनों में जो मेन डिफरेंस है अपीयरेंस में वो यही है। तो इसमें क्या दिया है कि दिगंबर जैनों ने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, इसलिए गलत है, क्योंकि श्वेत वस्त्र धारण करने का जो निश्चय है वो किसका है? श्वेतांबरों का। और दिगंबरों ने क्या किया? वस्त्रों का त्याग किया। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत है। Is that clear? Now let us move on to the next question. Question number 6. So question number 6 है, मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? मौर्यन पीरियड से क्वेश्चन है। प्रदेष्टा, न्यायिक, दंडपाल या दुष्ट साधनिक? What will be the answer? इसका आंसर होगा ए, प्रदेष्टा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है अगेन मौर्य वंश में, खासतौर पर मौर्य वंश की न्याय व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम जो मौर्यन एम्पायर में था उससे संबंधित है। कि मौर्य वंश जब आप पढ़ते हैं तो मौर्य राजाओं के अबाउट्स जो पढ़ते हैं, उसके अलावा मौर्य प्रशासन, मौर्य अर्थव्यवस्था, मौर्य समाज, धर्म, संस्कृति, ये सभी पढ़ना पड़ता है। तो जो न्याय प्रशासन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ऐसा था कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय होते थे, तो जो सिविल कोर्ट हुआ करता था, सिविल कोर्ट मतलब फौजदारी, जो दीवानी न्यायालय हुआ करता था उसे धर्मस्थीय कहा जाता था। सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा जाता था। और जो क्रिमिनल कोर्ट होता था, ये सिविल कोर्ट, ये क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था, उसे कहा जाता था कंटक शोधन, कंटक शोधन। तो सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय और क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। इनके जो जज हुआ करते थे, धर्मस्थीय का जज होता था धर्मस्थ, और कंटक शोधन का जो जज हुआ करता था उसका नाम था प्रदेष्टा, प्रदेष्टा। ठीक है, तो हेड ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इज प्रदेष्ट, हेड ऑफ द सिविल कोर्ट धर्मस्थ, फौजदारी न्यायालय का प्रमुख प्रदेष्ट। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर मौर्यन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज, शुंग वंश के शासनकाल में किस भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ? पाली, प्राकृत, संस्कृत और मागधी। ठीक है, शुंग वंश से यानी मौर्योत्तर काल से ये सवाल है, और आपको बताना है कि इस टाइम पीरियड में कौन सी भाषा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा सी, संस्कृत। देखिए जैसे कि अभी अभी मैंने कहा, ये मौर्योत्तर काल यानी कि पोस्ट मौर्यन एरा, मौर्य और गुप्तों के बीच में जो मगध काल था वहाँ से क्वेश्चन है, या मैं एक लाइन में कहूँ तो ये प्रश्न ब्राह्मण वंशों से है। मौर्य और गुप्तों के बीच में तीन ब्राह्मण वंश अस्तित्व में आए मगध में, शुंग, कण्व और सातवाहन। तो 185 ईसा पूर्व 185 BC में पुष्यमित्र सुंग, इन्होंने अंतिम
मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, और यहाँ से ब्राह्मण वंशों का भारत में अस्तित्व शुरू होता है। और यहाँ से हुआ ऐसा कि जो ब्राह्मण कल्चर था, जो हिंदुज़म था, उसको रिवाइव किया गया, रेजुविनेट किया गया, यानी उसका पुनरुत्थान किया गया। क्योंकि ऐसा था कि मौर्यों के समय में, ख़ासतौर पर अशोका के बाद से, पूरे भारत में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैल चुका था, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, कई लोग जो है बौद्ध धर्म के प्रभाव में थे। तो जब ये ब्राह्मण वंश आए तो उन्होंने किसी भी तरह से कोशिश की कि ब्राह्मणिज्म को फिर से समाज में फैलाया जाए, एक्सपेंड किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो थी संस्कृत। इसमें जो लिया ना कि संस्कृत का सर्वाधिक विकास हुआ, वजह भी ये है कि उन्होंने संस्कृत के जो बड़े बड़े हिंदुइज्म से रिलेटेड स्कॉलर्स हैं उन्हें शरण दी, उन्हें प्रोत्साहित किया। एक अगर एग्जांपल दूं तो संस्कृत के महाप्रकांड पंडित पातंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी संस्कृत ग्रंथ, वो इन्हीं के समकालीन थे। एक्चुअली पुष्यमित्र शुंग जो हैं, इन्होंने जो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था उसी के पुरोहित जो थे वो पातंजलि ही थे। तो महाभाष्य इसमें लिखी गई, मनुस्मृति लिखी गई संस्कृत में, कहा यह भी जाता है कि जो षड दर्शनों का संकलन हुआ वो भी इसी में लिखा हुआ। मतलब इसका मतलब है कि शुंग वंश के समय पे ही संस्कृत के बड़े बड़े साहित्य ग्रंथ लिखे गए। इसलिए सबसे ज़्यादा विकास यदि किसी भाषा का हुआ तो ब्राह्मण प्रभाव में संस्कृत भाषा का हुआ। ठीक है, इसमें इसका आंसर होगा संस्कृत सी। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज, निम्न में से कौन गुप्तकालीन सर्वोच्च अधिकारी था? महाबलाधिकृत, महादंडनायक, महाप्रतिहार या महासंधि विग्रहक? What will be the answer? सर्वोच्च अधिकारी गुप्त काल में, गुप्त प्रशासन में क्या होगा? आंसर होगा ए, महाबलाधिकृत। देखिए अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था मौर्य प्रशासनिक अधिकारियों पर, और अब ये क्वेश्चन मैंने लिया है गुप्त प्रशासनिक अधिकारियों पर। मौर्य और गुप्त और कुछ इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज है उसमें राजाओं के बारे में पढ़ने के अलावा आपको प्रशासन, समाज, धर्म, संस्कृति, इसे भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। ख़ासतौर पर प्रशासन में जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, मंत्रिपरिषद है और अधिकारी हैं, उनके नाम आपको पढ़ने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो गुप्त प्रशासन के समय जो इम्पोर्टेंट अधिकारी होते थे उनके नाम आपको बुक्स में मिलेंगे, उन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसी पर से एक क्वेश्चन है कि हाईएस्ट या सुप्रीम ऑफिशियल कौन था? तो ये महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत जो हुआ करता था वो मुख्य सेनापति होता था सेना का, ही वॉज द कमांडर इन चीफ। इसलिए हाईएस्ट ऑफिसर अगर आप देखोगे तो महाबलाधिकृत ही था, मुख्य सेनापति। जो महादंड नायक, दंड वर्ड से समझ में आ रहा होगा, ये न्यायाधीश हुआ करता था। महाप्रतिहार जो राजप्रसाद के विषय होते थे उसकी देखरेख करने वाला अधिकारी हुआ करता था। और महासंधि विग्रह, संधि मतलब अग्रीमेंट, तो वॉर एंड पीस मतलब जो वॉर एंड पीस यानी कि युद्ध और संधि से संबंधित जो विषय हुआ करते थे उससे संबंधित अधिकारी हुआ करता था ये। ठीक है, तो ये चार यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको तो मैंने अभी बता ही दिया। इसके अलावा चार पांच और इंपॉर्टेंट अधिकारियों के नाम इसमें आते हैं, उन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। हाईएस्ट अमंग्स द ऑल जो सुप्रीम ऑफिशियल था वो महाबल अधिकृत था, यानी कि मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ। ठीक, तो ये क्वेश्चन गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आइंस्टाइन ऑफ इंडिया? भास्कर आचार्य, वराह मिहिर, नागार्जुन या अश्वघोष? बताएं, इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर होगा सी, नागार्जुन। तो देखें, ये जो क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारत में जो विदेशी वंश भारत में थे उन पर से क्वेश्चन पूछा है। आप सभी जानते हैं कि ईरानी वंश, यूनानी, यवन और चीनी, ये कुछ विदेशी वंश प्राचीन भारत में समानांतर शासन कर रहे थे। और उन्हीं में से जो एक वंश था चीनी वंश, जिसका नाम था यू ची, जिसे हम इंडिया में कहते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश के एक राजा थे जिसका नाम था कनिष्क। सबसे फेमस अगर आप राजा देखेंगे पूरे विदेशी प्राचीन राजवंशों में तो वो कनिष्क ही थे, जिन्होंने 78 ईस्वी से लेकर 144 ईस्वी के बीच में रूल किया था प्राचीन भारत में। कनिष्क के कोर्ट से ये क्वेश्चन पूछा है, दरबार से ये क्वेश्चन पूछा है। कनिष्क के दरबार में चार रत्न थे, यानी चार इंपॉर्टेंट लोग थे। एक का नाम था अश्वघोष, ठीक, दूसरे थे चरक,
तीसरे थे वसुमित्र और चौथे थे नागार्जुन। ठीक, ये चार इंपॉर्टेंट लोग जो आज भी फेमस हैं, इनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। अश्वघोष जो थे वो एक साहित्यकार थे, चरक जो थे वो एक आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आप सभी जानते हैं चरक संहिता इन्होंने लिखी। वसुमित्र जो हैं ये एक बौद्ध भिक्षु थे, और नागार्जुन जो हैं वो एक साइंटिस्ट थे, यानी कि वैज्ञानिक थे। नागार्जुन एक वैज्ञानिक थे, हम मैं डायरेक्टली इस पे आ रही हूँ। नागार्जुन इनके दरबार के चार रत्नों में से एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र, तो माध्यमिक सूत्र जो है इसमें उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए थे विच इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन। जो आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत है ना, वैसा ही कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने माध्यमिक सूत्र किताब में किया था। इस वजह से इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, इट वॉज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट ये पार्ट इम्पॉर्टेंट था, आई हैड टू टच दिस पार्ट, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, प्राचीन भारत के इतिहास में इसे ज़रूर पूछता है। तो जो तीन मैंने नाम बोले मैंने, उसे ज़रूर ढूंढ लीजिएगा किसे किसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आइंस्टाइन जो कहा जाता है वो नागार्जुन को, क्योंकि अपनी किताब में उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित या वैसा ही मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया था। Is that clear? So now let us move on to the next question, question number 10. So the question number 10 is again a very direct question. चेर राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था? ठीक है, official emblem of चेर kings क्या था? धनुष, बाघ, सिंह या शावक? बहुत easy question है, अगर आपने सारे parts पढ़े होंगे तो। इसका answer होगा A, धनुष। तो देखिए, ये जो question है, धनुष होगा ना, ये होगा इसका answer। ये जो question है आपका, ये प्राचीन भारत के दक्षिण भारत के इतिहास से है। जो प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास है उस टाइम पीरियड को संगम काल कहा जाता था। प्राचीन काल में जो दक्षिण भारत का इतिहास है, दक्षिण भारत का जो प्राचीन काल है उसे संगम काल कहा जाता था। और इस टाइम पर संगम काल इसलिए कहते थे इसे, क्योंकि इस टाइम पर तमिल के तीन इंपॉर्टेंट संगम या मीटिंग्स हुई थी। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत का, इसमें तमिल साहित्य के तीन इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी, और उनमें इन्वॉल्व थे तीन इम्पॉर्टेंट राजवंश। तो संगम काल में हम तीन राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं दक्षिण भारत में, एक चेर, दूसरा चोल और तीसरा पांड्य। जो चेर हैं, ये वाला जो राजवंश था, ये एक्चुअली केरला के आसपास था और इनकी राजधानी थी वांजी। और चोले और पांड्य जो हैं, ये दोनों ही तमिलनाडु में, और इनकी जो राजधानी थी, चोलों की राजधानी जो थी वो थी उरुवेर, और पांड्य जो थे उनकी जो राजधानी थी वो थी मदुरई। ठीक है, तो चेरों की राजधानी वांजी थी, केरल वाले एरिया में थे ये लोग। ठीक है, मतलब इधर वाले एरिया में चेर थे, और ये जो तमिलनाडु है यहाँ पे ऊपरी वाला जो हिस्सा है वहाँ पे चोल थे, और जो निचला वाला हिस्सा है वहाँ पे पांड्य थे। तो इनकी राजधानी उरुवेर थी, पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। ये तीनों ही जो राजवंश थे, इन्हें किसी न किसी ऑफिशियल एम्बलम से रिप्रेजेंट किया जाता था, और चेरों का जो एम्बलम था वो था धनुष। ठीक है, उसके अलावा जो चोल हैं उनका जो एम्बलम था वो था बाघ से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, टाइगर। और जो पांड्य हैं उनका एम्बलम था मछली। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो चेर हैं उन्हें धनुष से रिप्रेजेंट किया जाता था, चोल हैं उन्हें टाइगर या बाघ से, उनका एम्बलम यही था, और जो पांड्य हैं उनका एम्बलम जो था वो था मछली, यानी कि फिश। Exactly. तो ये जो एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं ना, ये यहाँ से पूछता है। मैं आपको यहाँ पे टाइप्स भी बता देती हूँ क्वेश्चन के, चेर चोल पांड्यों के राजधानियाँ, एरिया, चिन्ह या संस्थापक राजा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और दूसरा, इस संगम काल में जो साहित्य का संगम हुआ था तीनों, और उसमें जो इम्पोर्टेंट तमिल साहित्य की रचनाएँ हुई थी, जैसे शिल्पादि कारम वगैरह पढ़ते हैं, कुछ नाम पढ़ते हैं, जैसे इलागो आदिगल का नाम पढ़ते हैं आप, तो कुछ रचनाएं और रचनाकारों के नाम से भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ये दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये तीनों वंशों की कुछ फैक्चुअल जानकारियां, और संगम काल के जो तीन साहित्य के संगम में कहाँ हुए और वहाँ पर कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, किसने लिखी। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को बस पढ़ लीजिएगा, बाकी उतना
अबाउट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किस गुप्त सम्राट ने चीनी राजा सांग के दरबार में राजदूत भेजा था? ठीक है, विच गुप्त एम्परर सेंट एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चाइनीज किंग सांग? समुद्रगुप्त पहला ऑप्शन है, दूसरा है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या स्कंदगुप्त. डायरेक्ट क्वेश्चन गुप्ता रूलर से, क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी, स्कंदगुप्त. ठीक, देखिए ये अगेन गुप्त, देखो गुप्त काल गोल्डन एरा कहलाता है एंशियंट इंडिया का, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा बनती है. प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कल्चर, राजाओं के काल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण निर्णय, वो सबसे सवाल आया करते हैं. साहित्य, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो पूरे मगध एम्पायर में गुप्तों से ही आने की रहती है क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में ये रहा. तो गोल्डन एरा कहलाता है ना ये, तो इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि चीनी राजा सांग जो थे उनके दरबार में कौन से गुप्त राजा ने दूत मंडल भेजा था, मतलब कि राजदूत भेजा था, एम्बेसडर पूछा भेजा था, और आंसर है स्कंदगुप्त. स्कंदगुप्त जो है उन्होंने 455 से लेकर 467 के बीच में रूल किया, ईस्वी के बीच में रूल किया. और इन्हें मेनली आप जानते हैं कि स्कंदगुप्त जो है, अगर आप क्रम से याद रखें तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त फर्स्ट, और कुमारगुप्त फर्स्ट के उत्तराधिकारी जो थे वो स्कंदगुप्त थे. तो स्कंदगुप्त जो है वो मेनली हूणों से, जो उनका सामना हुआ था, विदेशी आक्रमणकारी हूण, उनके लिए जाने जाते हैं. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखता है कि उन्होंने हूणों को पराजित किया था, तो किसी ने लिखता है, तो कोई इंस्क्रिप्शन लिखता है कि इनके टाइम पे हूणों का आक्रमण होता. कुल मिलाकर स्कंदगुप्त जो हैं वो हूणों से जो उनका सामना हुआ था उसके लिए जाने जाते हैं. उसके अलावा स्कंदगुप्त के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें से ये है कि इन्होंने 466 एडी में चाइना में राजा सांग जो थे उनके पास एक एम्बेसडर भेजा था. तो कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा ना कि विक्रमादित्य जो हैं उनके टाइम पे फाहयान भारत आए हुए थे, और बाद में वेन सांग जो हैं वो हर्षवर्धन के टाइम भारत आए. तो कहीं ना कहीं इन चीनी उल्लेखों में जो बाद में वेन सांग ने ख़ासतौर पे लिखा, इस चीज़ का जिक्र मिलता है. ठीक है, तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त जो हैं उन्होंने चाइना के राजा सांग के दरबार में 466 ईस्वी में एक एम्बेसडर भेजा था. ठीक, तो इससे कहीं ना कहीं इंडो चाइना रिलेशन उस समय के सामने आते हैं. पहले जो है फायान की यात्रा विक्रमादित्य के समय में, और फिर इनके द्वारा एक एम्बेसडर को भेजा जाना 466 ईस्वी में. इज इट क्लियर? सो इसका आंसर होगा डी, स्कंदगुप्त. सो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हर्षवर्धन ने इनमें से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? ठीक है, टाइटल कौन सा अक्वायर नहीं किया था उन्होंने? शीलादित्य, सकलोत्तरापथेश्वर, सार्वभौम या इनमें से कोई नहीं? व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं. मतलब बाकी की जो तीनों उपाधियां हैं ना, शीलादित्य, सकलोत्तरापथेश्वर और सार्वभौम, ये तीनों ही उपाधियां हर्षवर्धन को दी गई थी. देखिए ये गुप्तोत्तर काल के सर्वाधिक जो प्रसिद्ध राजा थे हर्षवर्धन, वहाँ से सवाल पूछा है. पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेड होते हैं. एक्चुअली बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस जो कई एग्जाम से पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे फेमस राजा था. ठीक है, तो उनमें आप जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं वो करें, और उन्हीं में से मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है जिसमें उनकी उपाधियों पर से सवाल पूछा गया है. तो देखो शीलादित्य की उपाधि तो वेन सांग ने ही उनको दी थी. ठीक है, तो शीलादित्य वेन सांग ने उन्हें कहा था. उसके अलावा उनका जो साम्राज्य था, सामंती जो व्यवस्था है उस पर आधारित था, वो इन उपाधियों से जाहिर होता है. ये जो सकल उत्तरापथेश्वर है, सार्वभौम है, ये उपाधियाँ उन्हें सामंती जो प्रशासन व्यवस्था थी उसकी वजह से दी गई थी. इसके अलावा इन्होंने महाराजधिराज, परमेश्वर, परम माहेश्वर, इसकी उपाधि चक्रवर्ती, ये उपाधियाँ भी धारण की थी. ठीक है, तो यू कैन सी मैनी सच टाइटल्स बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड. जो हम पुष्यभूति वंश या हम उत्तरगुप्त वंश पढ़ते हैं वहाँ के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे. तो जितनी उपाधियाँ, उपाधियों पर से सवाल अक्सर बनते ही हैं, तो ये उसी पर से एक सवाल था. और आंसर इनमें से कोई नहीं इसलिए है क्योंकि बाकी तीन उपाधियाँ उन्हें दी गई थी. नन ऑफ द अबव आर सच विच आर नॉट द टाइटल्स, विच इज़ नॉट द टाइटल ऑफ हर्षवर्धन. इज दैट क्लियर? तो उत्तरगुप्त काल से क्वेश्चन था, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं बिकॉज बाकी की तीनों उपाधियां जो हैं वो इनको दी गई थी. ठीक, सो दैट इज इट.
विद टुडेज FTR एंशियंट हिस्ट्री सेशन। दो हमने जो FTR सेशंस लिए हैं वो अभी एंशियंट हिस्ट्री से हैं। अब कल का जो आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स का ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे के सारे मध्यकालीन भारत के इतिहास से होंगे। सो सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।